आज हम जानेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 के बारे में, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग का एक काफ़ी बड़ा हब बनता जा रहा है। सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसान चौक से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 7.5 किलोमीटर का स्ट्रेच काफ़ी सारा अभी बीच में डेवलपिंग भी है। सेक्टर 10 के सामने सेक्टर 12 और सामने ही नॉलेज पार्क 5 है, जो कि काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा एरिया है। सेक्टर 10 तक ऑलरेडी मेट्रो प्रपोज्ड है, जो कि 3 से 3.5 साल में एक्सपेक्ट की जा रही है यहाँ पे आ जाएगी। सेक्टर 10 में आज के टाइम में सबसे स्टार्टिंग प्रोजेक्ट महागुन मंत्रा है और महागुन मंत्रा से आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। इसमें से कुछ प्रोमिनेंट अमात्रा होम्स और ATS हैप्पी ट्रेल्स हैं। सेक्टर 10 में आर्यंत अबोर्ड और कोको काउंटी जैसे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। सेक्टर 10 के आसपास के एरिया का ओवरव्यू देखें तो थोड़ा सा खाली है, पर क्योंकि ये एरिया अभी डेवलपिंग है और मेट्रो भी 3 से 3.5 साल में एक्सपेक्टेड है, तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि उस टाइम तक ये एरिया काफ़ी लोगों से भर जाएगा। एक अफोर्डेबल टिकट साइज में प्रॉपर्टीज मिलने की वजह से ये सेक्टर काफ़ी जोर पकड़ रहा है, जहां पे 2 BHK तकरीबन 30 लाख के अंदर मिल जाता है और वहीं पे 3 BHK तकरीबन 35 से 40 और 40 से 45 के बीच में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। सेक्टर 10 के सर्कल पे ही मेट्रो प्रपोज्ड है। हम अपनी इस जर्नी में सेक्टर 10 के सर्कल लेते हुए बाकी प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं। मिलेगी यही प्रॉपर्टी के मल्टीपल ऑप्शंस एक ही जगह पे, वो भी लाइव वॉक इन टूर्स के साथ में। लाइव अवेलेबिलिटी, कीमत और बुक करने की फैसिलिटी और ग्रेट डील्स और ऑफर्स और बिल्डर से आमने सामने वीडियो कॉल, चैट और फोन पे बात करने के लिए डाउनलोड करें बाय इंडिया प्रॉपर्टी ऐप। ATS का हैप्पी ट्रेल्स प्रोजेक्ट बिल्कुल सेक्टर 10 के कोने पे ही बना हुआ है। इस एरिया में अमात्रा होम्स का पोजीशन हो गया है और यहाँ पे लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं पे महागुन मंत्रा में भी अगले 3 से 6 महीनों में लोगों का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। सेक्टर 10 से अंदर जाते हुए बाकी प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उनमें से सिक्का कामया ग्रीन्स है, जो कि काफ़ी टाइम से बंद ही पड़ा हुआ है, और कुछ आगे चलने में कोको काउंटी है, जो कि काउंटी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स का एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोको काउंटी के सामने ही 100 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट है, जो कि इस एरिया को काफ़ी अच्छा ग्रीन टच दे देगी। वहीं पे कोको काउंटी के पीछे ही अरिहंत अबोर्ड अपार्टमेंट्स है, जो कि 1 से 1.5 साल में पोजीशन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ओवरऑल इस एरिया की बात करें तो सेक्टर 10 एक डेवलपिंग एरिया तो है ही, पर एक अफोर्डेबल टिकट साइज में प्रॉपर्टीज़ मिलने की वजह से ये काफ़ी प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और आने वाले टाइम में भी इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। एक बड़ी मेट्रो यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो जाएगी तो सेक्टर 10 तक ऑलरेडी प्रपोज्ड है, जिसकी वजह से आने जाने में खास दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम में कोई भी यहाँ पे रहता है तो उसे अपना ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हिसाब से या एक एंड यूज़ के हिसाब से सेक्टर 10 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है।